सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए, CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है उस संस्था की? हर चीज़ के लिए है। अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या, हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा, मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ कुछ मैगज़ीन, जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुँच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट में, स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड, नॉट सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि, हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। सो आई थिंक ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल है, अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब उस किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब यू नो हमको कंट्रोल करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे, और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है, यू नो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा और खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4,000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आई थिंक हमें भी जागना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी और वो भी ऐसी अटक गई थी, तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली। और सर अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चला। सर ऐसा होता है, क्रिएशन का ये होता है, जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित आपकी रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी। ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे। अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है। बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज़्यादा होती है, इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको ये बताया। थैंक यू सर। Hi everybody, I'm Irrfan Khan. Watch me only on facebook.com/businessofsir.